अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरूसी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बूटस्ट्रैप अलर्ट्स का, जिसमें देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हुए अलर्ट्स कैसे जनरेट कर सकते हैं और कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप हमें एक ऐसा इजी भी प्रोवाइड करता है जिससे हम प्री डिफाइंड क्लासेस को यूज़ करते हुए अलर्ट मैसेजेस को जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग जो फर्स्ट क्लास यूज़ करेंगे वो अलर्ट क्लास को यूज़ करेंगे, और इसमें फर्दर जो क्लासेस डिफाइंड हैं वो फर्दर फोर कंटेक्चुअल क्लासेस डिफाइंड है, जिसमें अलर्ट सक्सेस है, अलर्ट इन्फो है, अलर्ट वार्निंग है और अलर्ट डेंजर है। इनके पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होती है। यहाँ पर मैंने एक डिप क्लास लिया और उसको मैंने क्लास कंटेनर दिया, और उसमें मैंने फोर डिफरेंट डिप्स ली हैं, और इन जो हमारे पास जो डिप्स हैं, ये जो चारों डिप्स हैं, इसमें मैंने फर्स्ट क्लास दी है अलर्ट की सब में, और उसके बाद मैंने एक क्लास मैंने दी है एक डिप में अलर्ट सक्सेस की, दूसरी में मैंने दी है अलर्ट इन्फो की, थर्ड वन जो है वो अलर्ट वार्निंग की है, और फोर्थ वन जो है वो अलर्ट डेंजर की है। अब इसकी आउटपुट कैसे जनरेट होगी इसको चेक करते हैं। और इन टिप्स में हमने जस्ट एक सिंपल कंटेंट ऐड कर दी है, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर चार किस्म के अलर्ट्स जनरेट हो गए, जो सक्सेस वाला है वो ग्रीन कलर में आ गया है, इन्फो वाला ब्लू कलर में आ गया है, वार्निंग वाला ऑरेंज शेड में आ गया, और जो मेरे पास जो डेंजर है वो रेड कलर में आ गया है। इसी तरह अगर हम अलर्ट्स में लिंक्स को ऐड करना चाह रहे हैं कि अगर जो हमने अलर्ट्स जनरेट किए हैं उसमें कुछ लिंक्स ऐड हों, तो उसके लिए हम लोग अलर्ट लिंक की क्लास को यूज़ करते हुए हम अलर्ट्स के अंदर लिंक्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि उससे मैच कलर लिंक क्रिएट करेगा। इसको भी इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे कि इस कोड को मैं अनकमेंट करती हूँ, और इसको मैं, ये जो मेरा सक्सेस वाला है इसको मैं क्लास कंटेनर के अंदर रखती हूँ। इसमें मैंने जो पहली क्लास दी है वो मेरे पास अलर्ट की, और इसको मैंने अलर्ट सक्सेस की दूसरी क्लास दी है, देन जो मैंने कंटेंट ऐड किया है उसमें मैंने लिंक टैग लगा दिया है, और रेफरेंस उसका मैंने जो है वो एक डमी रेफरेंस लिंक दे दिया है, और उसको मैंने क्लास दे दी है अलर्ट लिंक की। यानी कि यहाँ पर मैंने जो भी लिंक यूज़ करना है वो यहाँ पर मैं इसको बताऊँगी क्लास नेम अलर्ट लिंक की, और इसकी आउटपुट चेक करते हैं। मेरे पास ये जो आ रहा है ये मेरे पास एक लिंक क्रिएट हो गया, जो अलर्ट के अंदर जो लिंक है वो क्रिएट हो गया। अलर्ट्स को क्लोज करने के लिए जो हमारे पास अलर्ट्स मैसेजेस शो हो रहे हैं उसको डिसमिस करने के लिए हम लोग जो अलर्ट की क्लास को यूज़ करेंगे वो है अलर्ट डिसमिसेबल। इसको हम अलर्ट कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे। देन फिर हमने दो क्लासेस को ऐड करना है हमने लिंक में, एक क्लास है हमारे पास क्लास क्लोज, और दूसरी क्लास है डेटा, जो दूसरा हमारे पास इसका इवेंट है वो है डेटा डिसमिस इज इक्वल्स टू अलर्ट, कि डेटा को डिसमिस कर दें, यानी कि जो हमारे पास कंटेंट शो हो रहा है उसे डिसमिस कर दें किसी ऊपर जब अलर्ट क्लास को कॉल किया जाएगा। तो इसको हम लिंक में और बटन एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसकी आउटपुट चेक करेंगे। कोड को अनकमेंट करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे दी है डिव क्लास अलर्ट, और सेकंड क्लास इसको मैंने जो दी है डिव क्लास जो है मेरे पास अलर्ट सक्सेस की, और थर्ड वन है अलर्ट डिसमिसेबल, यानी कि जो मैंने अलर्ट डिसमिसेबल देनी है वो मैंने इस डिव को देनी है। देन जो मैंने एंकर टैग ऐड किया है उसमें मैंने क्लास दी है क्लोज की, और जो मेरा इवेंट है डेटा डिसमिस इज इक्वल्स टू अलर्ट, जब ये मेरी क्लास कॉल होगी तब मैंने इस डेटा को क्लोज करना है, और यहाँ पर उसकी एक एंटिटी शो कर दी है जो क्लोज की जो एंटिटी है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। अब इसकी आउटपुट चेक करते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर ये
जो है क्रॉस साइन आ रहा है, जब मैं इसे क्लिक करूंगी तो मेरा ये जो कंटेंट है, ये जो बॉक्स है, ये जो है डिसअपियर हो जाएगा। तो ये मेरे पास जो मेरे पास बॉक्स अभी शो हो रहा था, ये डिसअपियर हो गया। इस फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर मुझे jQuery की फाइल को भी ऐड करना है, jQuery.min.js। इसको आप इस लाइब्रेरी को आप डाउनलोड कर सकते हैं jQuery की वेबसाइट पे जाकर, उससे आप डायरेक्ट लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू, और यहाँ पर आप jQuery की फाइल को जब आप लिंक करेंगे तो फिर jQuery का जो इवेंट है हमारा, ये कॉल होगा डेटा डिसमिस का। इसके बगैर वो ये वाला अलर्ट वर्क नहीं करेगा। सो jQuery की इस लाइब्रेरी को ऐड करना ज़रूरी है इन अलर्ट्स के लिए, कि अगर हम अलर्ट्स को डिसमिसेबल करना चाह रहे हैं।